हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि कोई भी बच्चा यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो टेंथ में पढ़ रहा हो, मतलब प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, टेंथ से पहले पहले या टेंथ के बाद बाद, एलेवन ट्वेल्थ ऐसे, एट्थ नाइन्थ, या कोई बंदा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो वो ये इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और पीजी वाले बच्चे भी। और यहाँ पे स्कॉलरशिप कितना मिलता है, 10K से 50K तक यहाँ पे मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करूँगा NSP के रिलेटेड। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारा वीडियो देखना अच्छे से और इसको समझ लेना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको पता चल जाएगा। देखो, जिसने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, यहाँ पे है ना न्यू यूज़र रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। लेकिन हम पहले देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। पहले हम ये पढ़ेंगे एकेडमिक ईयर 2021 और 2022 गाइडलाइंस, यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, उनको जो कि पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं NSP पे, तो उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पास किया था, जैसे हमने नीट एग्ज़ाम पास किया, या कोई बंदा कॉलेज आ रहा है अभी, उसने ट्वेल्थ पास किया ना और उसने आज तक NSP पे कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है, तो उसको यहाँ पे फ्रेश एज ए फ्रेश ही उसको ऐड करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। और अब जो जिन्होंने पहले ही रजिस्टर किया था या जिन्होंने पहले से ही स्कॉलरशिप थोड़ी सी यहाँ से ली है NSP से, उनको क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल पे। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू फिल्ड बाई पेरेंट्स गार्डियंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब जिनकी एज 18 से कम है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो कौन भरेगा, उनका पेरेंट या कोई गार्डियन होगा उनका, वही रजिस्ट्रेशन करे, ताकि अच्छे से वो मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करें। बिफोर इनिशिएटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्डियन, यहाँ पे ये लिखा है डॉक्यूमेंट्स हैंडी, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उस टाइम पे, जैसे कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की बैंक कॉपी, और उस पर जो IFSC कोड होता है वो भी आपको चाहिए। फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम वायर स्टूडेंट्स डू नॉट हैदर, अब जो प्री मैट्रिक वाले बच्चे हैं जिनके पास अब अपना बैंक अकाउंट नहीं है, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनका अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। However, parents' account number can only be used against scholarship applications for maximum 2 children, और दो children का ये यहाँ पे भर सकते हैं maximum। आधार number of the student, आधार कार्ड चाहिए होता है यहाँ पे उसका number, अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप ला सकते हो स्कूल से या कॉलेज से। आधार एनरोलमेंट ID एंड स्कैनर्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ये भी आप यहाँ पे ला सकते हो। If institute school is different from domicile state of the applicant, then bona fide student certificate from the institute. अब जहाँ पे क्या होगा, अब कोई बच्चा है जो कि बाहर रह रहा है, तो उसको वहाँ की domicile होगी ना, मतलब नहीं, बच्चा यहाँ का है जम्मू कश्मीर का, लेकिन अभी वो कहीं और जगह पे रह रहा है, तो वहाँ पे उस स्कूल की उसको bona fide देनी पड़ेगी। Before instructions for filling up the online application form are given below, field is marked are mandatory. ये आपको यहाँ पे मैंडेटरी भरनी पड़ेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको DOB देनी पड़ेगी, जो कि आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उन पे है वही वाली DOB। स्टेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देनी, शो करनी पड़ेगी यहाँ पे। असल में ना क्या होता है, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये सारा कुछ देना पड़ता है। द स्टूडेंट नीड टू प्रोवाइड अ बोनाफाइड इन द प्रेसर, अच्छा ये ऐसा है। स्कॉलरशिप कैटेगरी, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको वो भी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बताया है कि प्री मैट्रिक किसके लिए होती है और पोस्ट मैट्रिक किसके लिए होती है। प्री मैट्रिक में आएंगे फर्स्ट से टेंथ तक, पोस्ट मैट्रिक में आएंगे कौन कौन सा यहाँ पे लिखा है, से 11th 12th एंड अबो, इंक्लूडिंग जो ITI कर रहा है, BSc BCom BTech मेडिकल स्टूडेंट्स। यहाँ पे BTech और मेडिकल स्टूडेंट्स और PG वालों को बहुत ज़्यादा मिलता है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। IIT में कोई है, IIM है कोई है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का नाम आपको देना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट वाला नाम, जैसे कि मतलब इसमें आपको थोड़ा सा भी एरर नहीं रहना चाहिए, मतलब कि आपको इस टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसी पे जो नाम है ना वही यहाँ पे भी देना। फॉर स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग आधार नंबर टू एंश्योर दैट यूर नेम इज़ करेक्ट इन योर, और हाँ, अगर किसी का आधार कार्ड पर नाम थोड़ा इधर उधर है या DOB गलत है, तो वो पहले उसको ठीक करा के आना, उसके बाद ही आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ऐसा फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा जिस पे आपको मैसेज आएगी और जो आपको आप लाइफ टाइम चलने वाला है, या कम से कम 4-5। तो अब यहाँ पे ईमेल आईडी की बात आ रही है, ईमेल आईडी भी आपको अच्छी वाली देनी पड़ेगी, जो आपको अभी चल रही है, मतलब ईमेल भी गलत नहीं देना, अभी नई ईमेल बनाओ या जो आपके पास है उसका पासवर्ड और ईमेल याद रखना, और उसके बाद ही अप्लाई करना, यहाँ पे ईमेल देना, क्योंकि आपको ईमेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ की।
बैंक अकाउंट डिटेल्स, अब ये मैंने आपको बोला है IFSC कोड पता होना चाहिए और जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो स्टूडेंट जिसके पास नहीं होगा बैंक अकाउंट वो पहले बना लेना, ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पे इन केस ऑफ पोस्ट मैट्रिक जो ये वाले 10th और एक ही बैंक अकाउंट नंबर देना, मतलब कोई चालाकी करेगा तीन NSP फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेगा अलग अलग नंबर से और उसके बाद इन्फॉर्मेशन भरेगा तो वो यहाँ पे आपकी मतलब स्कॉलरशिप उसके बाद नहीं मिल जाएगी क्योंकि वो एक फ्रॉड है तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे जुगाड़ मत कर लेना, खाली एक ही टाइम पे एक बंदा स्कॉलरशिप भर देना आपने, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आधार नंबर देना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। अब जब आप सबमिट करोगे, अब पहले देखो क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे आपको, फिर से एक बार DOB, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, नेम ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा का सारा आपको ठीक होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, उसके लिए आप आधार नंबर दे सकते हो या कुछ और होगा जो यहाँ पे लिखा होगा वो आप दे सकते हो, जैसे कि बैंक पासबुक। अब जब आप सबमिट करोगे एप्लीकेशन, जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है टू लॉगिन, तो जिसकी वजह से आप फिर NSP पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो, वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। अगर पासवर्ड रिसीव नहीं भी किया तो जो आप यहाँ पे फॉरगेट ऑप्शन आता है एक फॉरगेट पासवर्ड, वहाँ से आप नया पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हो। फिर स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड एनुअल फैमिली इनकम एज पर, और हाँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और हाँ यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि इसमें ये नहीं होता है कि 2 लाख पर ईयर होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट पर, अगर आपको 8 लाख बिलो है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हो अगर आपका जो इनकम है 8 लाख से बिलो है पर ईयर। अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, इस पर टिक करो। आई एम अवेयर दैट इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी फिल्ड फ्रेश रिन्यूअल ऑल माई चाइल्ड वार्ड्स एप्लीकेशन आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भर रहे हो तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा ये सारा किस्सा। तो अभी यहाँ पे भी क्लिक कर दो, ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे जाना पड़ेगा, कंटिन्यू के बाद ये आप देख सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं JK से हूँ। ऐसे ही स्कॉलरशिप कैटेगरी प्री मैट्रिक है कि पोस्ट मैट्रिक, जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक हूँ। नेम ऑफ द स्टूडेंट, मेरा नाम लिखना पड़ेगा मतलब जो स्टूडेंट है। स्कीम टाइप, कौन सी स्कीम लेनी है आपको, स्कॉलरशिप या इंसेंटिव स्कॉलरशिप स्कीम। डेट ऑफ बर्थ जो एक्चुअल है, जेंडर रखना पड़ेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक IFSC कोड, बैंक कॉपी पे आपको मिलेगा जो बैंक पासबुक होता है, बैंक अकाउंट नंबर वो भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे आधार या कौन सा मतलब आपके पास है आधार कार्ड है तो आधार लिख लो यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा फिल करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगी जब आप ये यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट करोगे, इसके बाद सिंपली आपको वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है सारी, वो ईजी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगी। और आपके कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम वो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और जब आप सबमिट करोगे, अब यहाँ पे लास्ट पे क्या बोलेगा वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट में बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अगर आपका जो मतलब स्कॉलरशिप है वो अमाउंट है 50,000, लगभग नियरली 50,000, तो आपको फिर यहाँ पे भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अब जनरली क्या होता है, 50,000 से बिलो ही होता है जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर करोगे भी तो भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तब भी आपको जो आपकी इंस्टीट्यूशन है या स्कूल वकूल है कोई, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भर सकते हो और वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं आराम से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मतलब आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लास्ट में जब आप एक प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, उसको आपको प्रिंट निकालना है प्रिंटर से, और उसके बाद वही आपको ले जाना है किधर, जो आपका कॉलेज है या कोई स्कूल है वहाँ पे ले जाना है। उसके बाद जो उस पर डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको साथ लेना है, जो यहाँ पे अपलोड करने हैं वही वाले डॉक्यूमेंट आपको साथ भी लेने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद आप वहाँ पे वो भरोगे तो वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिर आपको जो 2-3 months लगते हैं सारी प्रोसेस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपके अकाउंट पे, जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे दिया है। और अकाउंट नंबर जनरली आप अपना ही देना, जिसके नाम पे स्कॉलरशिप है ना उसी का देना, ताकि स्कॉलरशिप में कोई भी लफड़ा ना हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और एक स्कॉलरशिप होती है, उसको बोलते हैं लेबर स्कॉलरशिप, वो लेबर कार्ड होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसमें MBBS वालों को 50K मिलता है और BTEC वालों को भी 50K मिलता है, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, और जो बाकी है उनको 10K से 25K तक, मतलब उसी के बीच में।
तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले आप ये सारा किस्सा कर लो। अभी ये वाली स्कॉलरशिप चल रही है तो अप्लाई करो। अगर अभी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले आगे जाके भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालने वाला हूँ इस चैनल पर। थैंक यू।